और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के मेम्बरान के तआवुन से हम जो वो लोग जो सिंध में तब्दीली चाहते हैं उनके तआवुन से इंशाल्लाह सिंध में तब्दीली लेके आएंगे। और जिस तरह से हमने पहले अर्ज़ की थी, पहला मौका बहरहाल पीपल्स पार्टी के पास है, मुराद अली शाह साहब को खुद तब्दील करें। और दूसरा मैंने समझता हूँ कि नैब को ये चाहिए कि वो जो दो महीने की डेडलाइन है उसको सख्ती से उस पर अमल करें, और अभी तक जो तफ्तीश शुरू नहीं हुई है उसके ऊपर हमें तशवीश है। और जिस तरीके से असम्बली के अंदर एक अखाड़ा बनाया गया है, अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन कल कायम हुआ है, उसके ऊपर हमें तशवीश हुई, लेकिन हमें उम्मीद है कि नैब की ये जो कार्रवाई है ये एक फैसला कुन कार्रवाई होगी और नवाज शरीफ के बाद अब आसिफ जरदारी का सियासी मुस्तकबिल भी अपने बिल्कुल इख्तिताम। अच्छा, आप कराची आए, दौरा किया, फवाद ही पैदा नहीं होता, उसकी वजह यह है कि एक जमहूरी दौर है, जमहूरी हुकूमतों में गवर्नर रूल नहीं हुआ करते और एक सियासी और आइनी तब्दीलियाँ हुआ करती हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान के बाकी लोगों का यह हक है कि वो आइन के हकूक इस्तेमाल करें और आइन उन्हें जो हकूक देता है उसके मुताबिक वो तब्दीलियाँ लेके आए, इसी तरह सिंध के अवाम का हक भी यही कि वो आइनी तरीके से अपनी जो सियासी मामलात हैं उनको चलाएं और उनमें तब्दीलियाँ लेके आएँ। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि यहाँ पर सिंध में भी तब्दीली जो है वो आइनी तब्दीली।